हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि आप एक फ़ोन पे का जो टेक्निकल इशू है उस पर एक वीडियो बनाओ और हमारी सॉल्यूशन बताओ कि ये कैसे हम इसका सॉल्यूशन करें। जब मैंने देखा कि इसमें काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हैं इस टॉपिक पे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए। और रिसेंटली मेरे घर में भी एक एमआई का फ़ोन है, उसमें फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी, उसके बाद मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके साथ। दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लो, वहाँ पर मेरी सारी अपडेट्स आती है। साथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप मुझे वहाँ बता सकते हो मैसेज के माध्यम से। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। रिसेंटली मेरे फ़ोन में भी एक फ़ोन पे का एप्लीकेशन है जिस पे ये टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम आया था और मुझे इसको सॉल्व करने में 2 दिन लगे हैं। दोस्तों, जब इसमें मुझे टेक्निकल इशू दिखा तो मैंने, अब मेरा SBI का बैंक है तो मैंने SBI को कॉल किया, उनको पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपके फ़ोन से या फिर फ़ोन पे एप्लीकेशन से आ रही है, वो हमारी तरफ से नहीं है। फिर मैंने अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स करी और उसके बाद मेरा फ़ोन पे फिर से स्टार्ट हो गया। तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन जानने से पहले अपने भाई का नाम जान लो। मैं हूं संतोष प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक मैक्स। सॉल्यूशन बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपका सारा ध्यान मुझ पे होना चाहिए, मेरे बातों पे होना चाहिए, ना कि मेरे बैकग्राउंड पे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी ख़राब है। एंड आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा तो मैं एक नया सेटअप भी बना लूंगा। तो अब आते हैं अपने फ़ोन पे और आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप्स का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। हो सकता है ये सारी सेटिंग्स आपके फ़ोन में कहीं और हो, तो आपको सिंपली करना क्या, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करना है। ऊपर आपको सर्च बार दिखेगा, उस पर जाना है और आपको सर्च करना है ऐप मैनेजर। जैसे ही आप ऐप मैनेजर लिख कर सर्च करोगे तो आपके सामने ऐप मैनेजर दिख जाएगा। आपको सिंपली उसको ओपन करना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फ़ोन पे। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, फ़ोन पे आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। देन अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको स्टोरेज होगा, स्टोरेज पे जाना है। देन आपको सबसे नीचे क्लियर कैश लिखा है तो आपको उस पर क्लिक करना है। हो सकता है कुछ फ़ोन में ये ऑप्शंस आपको ऊपर देखने को मिल जाए, तो आपको क्लियर कैश करना है जहाँ भी हो। आपको गलती से भी क्लियर डेटा नहीं करना, आपको क्लियर कैश करना है। ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आप अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन को सर्च कर लीजिए। अब आपको अपने फ़ोन पे को अपडेट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनियाँ अपडेट देती है पर आप उस चीज़ को अपडेट करते नहीं हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके फ़ोन में देखने को मिलती है। तो आप जब भी कंपनी इसका अपडेट दे तो आप रेगुलर उसे अपडेट करते रहें। अपडेट होने के बाद आपको बैक आना है और आपको फिर से अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको चेक करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो नीचे लाइक का बटन होगा उसे दबा देना और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबाकर बेल आइकन को भी दबा देना और साथ में ऑल कर देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अब मैं आपको फ़ोन पे का एप्लीकेशन में जाके आपको बैलेंस चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप चेक बैलेंस पे करते हो ये आपको आपका बैलेंस शो कर देगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इस ट्रिक का यूज़ करने से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर अगर जिन लोगों का सॉल्व नहीं हो पाता है, उनको प्रॉब्लम आती है, तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट लिख सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। और मैं इसका सोच रहा हूँ पार्ट 2 बनाने का, क्योंकि मेरे पास एक और मैथड है जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जिन लोगों को इस मैथड से सॉल्व नहीं होता है तो आप
नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि मैं सेकंड पार्ट इसका बना सकूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबा देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।